अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये शान की तरफ से भी अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रोशान के शूज़, मिटन्स और कैप्स की कलेक्शन शो करूँगी। तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। रोशान के न्यू सारे शूज़ और सब इनके बारे में जानिए कि ये कहाँ से मिले, ये कैसे हैं, कितने मंथ्स के बेबीज़ के लिए कौन सी सही लगती हैं। आप अपने बेबीज़ के लिए भी ट्राई करें। ये सब रोशान की कलेक्शन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट तो ये हैं, ये रेड वाले, ये छोटी सी ऊपर फेस है। ये आप अपने बेबीज़ को 2 to 3 मंथ्स तक पहना सकते हैं। बड़े सॉफ्ट सा स्टफ़ है और ये बेबीज़ के ये अच्छे लगते हैं। मैंने रोशान को पहनाए हुए हैं ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले शूज़। ये इसकी नानों ने हैंड निटेड हैं। ये ऐसे साइड पे ये बन ऐसे लटकती है पॉम पॉम। और ये मैं रोशान को पहनाती हूँ, बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखें ऐसे। नेक्स्ट है ये वाले शूज़। ये शूज़ ये देखें, ये छोटे से क्यूट सा फेस ऐसे बना हुआ है। ये जब रोशान पहनता है तो इसको ऐसे शो होते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी भी रोशान की पहने हुए की लुक कि ये कैसी आ रही है। एंड ये देखें इन शूज़ की ना पहनकर इस तरह लुक आती है। ये करेक्टर सा, ये जो कार्टून्स है ये इस तरह और ये आगे से टाइट करके ना बो हो जाती है ताकि ये ना लूज़ ना हो शूज़ इस तरह। ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए जब रोशान पहनते हैं ना। वो अपने शूज़ ही पकड़ रहा है कि मैं देखूं क्या कर रहा। दिस देखें ये क्यूट से रैबिट वाले शूज़। ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। ये रोशान के ये भी रोशान की नानों ने निट किए हैं, खुद हाथों से बनाए हैं। तो ये देखें ये इसके स्वीट से छोटे छोटे से ईयर्स हैं। ये मैंने रोशान को अभी मैं आपको ना ये पहना कर रोशान को दिखाऊंगी कि रोशान इस और ये कैप देखें ज़रा, टर्बन कैप। ये उसकी नानों ने ना एक पेयर सा बनाया, जैसे पेयर बनाया। ये मैं आपको ना अब रोशान को अभी वियर भी करवा के दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा। मैं ये आपको ना पहन कर दिखाती हूँ। और ये शूज़ ये तो मैंने बाज़ार से लिए थे, मार्केट से। ये तो मैं आपको मेरे पिछले ब्लॉग में दिखाए भी होंगे। तो ये इतने सॉफ्ट हैं, आप देखें कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये अब मैं रोशान को पहना रही हूँ क्योंकि इस अगर मैं ये शूज़ पहनाऊँ ना तो मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे ना सॉक्स भी नहीं पहनानी पड़ रही। बहुत सॉफ्ट से और वूल टाइप, मतलब जैसे बच्चों को ज़रा भी टेंशन नहीं कि सर्दी लग जाएगी। ये भी शूज़ हैं रोशान के। ये मैंने 7 पीसेस वाला सेट था, ये इसकी दादू लाई थी, उसमें से थे मिटन एंड सूट। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जॉगर्स, ये इसकी नानो लाई हैं इसके लिए। ये अभी मैंने रोशान को पहनाए नहीं है। ये इसके जॉगर्स हैं। एंड मिटन्स की बात करते हैं तो ये रोशान के मिटन्स हैं। ये देखिए क्यूट सी ये फेस बना हुआ है। ये सारा उसकी नानों ने बनाया है। ये मिटन्स तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रोशान बॉक्सिंग करने लगा। देखिए ज़रा, ये भी ये हैंड नेटेड है, ये भी रोशान के हैंड नेटेड हैं ये भी। और ये भी मिटन्स हैं, ये भी उसकी नानों ने उसके लिए बनाए हैं। और ये हैं कैप्स आपको दिखाती हूँ। ये कैप जो हैं ये आप अपने बेबीज़ को 2 मंथ्स तक पहना सकते हैं। अब रोशान को नहीं पूरी आती, माशाल्लाह अब रोशान 6 मंथ्स का हो गया तो अब वो ये नहीं पहनता, ये उसको बिल्कुल पूरी नहीं आती। ये आप मेरे पास ये एक ग्रीन है, एक इस तरह ही की वाइट है। ये रोशान को मैंने बहुत पहनाई है पर जब वो 1 to 2 मंथ्स का था, अब नहीं। ये है, ये आप अभी भी अपने 6 मंथ्स के बेबी को पहना सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये 7 पीसेस का सेट था, ये उसमें से कैप थी। तो ये रोशान को अभी भी आ जाती है। ये है, ये भी रोशान ने ये उसकी दादों ने नहीं उसकी नानों ने हैंड नेटेड है। ये उसकी नानों ने बनाई है बड़े प्यार से।
तो ये आपने शायद मेरा पिछला व्लॉग देखा हो, उसमें रोशान ने ये येलो सा सूट पहना हुआ था वूल का, उसकी ये उसके साथ पेयर अप है, ये सारा सेट है सूट का। एंड ये तो रोशान की ना, मैं कैप मुझे बाहर गई थी, मुझे अच्छी लगी, ये समर्स के लिए लेके आई थी मैं, पर मुझे लगता है कि अब रोशान को ये, आप समझें, ये आपके बेबी को ना 6 मंथ्स तक पूरी आएगी, अब मुझे फिर एक न्यू लेनी पड़ेगी। ये रोशान पहनता है ये, मैं इसको नॉर्मल मतलब कैजुअल घर में ज़्यादा अपने नाक रखती हूँ, इसके ऊपर से कैरेट थी वो रोशान ने उतार दिया पकड़ पकड़ कर खींच कर, ये ऐसे। ये आप अपने बेबी के लिए ना 7 to 8 मंथ्स तक के बेबी को इजीली आ जाती है। और ये आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, ये मुझे ना ये 2 पोम पोम्स वाली इस तरह अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये लेकर आई हूँ, ये साल तक के भी बेबी को इजीली आ जाती है। तो देखिए ये सारी रोशान के शूज़, मिटन्स और कैप्स का कलेक्शन, अभी जाइएगा नहीं, मैं आपको ये लुक दिखाती हूँ रोशान को, कि ये पेयर रोशान पे कैसा सूट करता है। ये कैप ना, ये है कि टर्बन कैप है, ये थोड़ी सी ना इस तरह है कि ये कान नहीं कवर कर रही, लेकिन ना ये बहुत प्यारी लगती है रोशान पहन कर, ना दूल्हा लगता है, मैं आपको ये पहना कर दिखाती हूँ। एंड ये तो आपने मेरे पिछले बेबी डे केयर में देखा था, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें ना मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जैसे कि मेरी ये मिटन्स हैं, ये मैं इसके अंदर पैक के अंदर रखे हैं, ये शूज़, सब कुछ ना मेरा इसमें सेट हो जाता है। लेकिन ये वन शूज़ तो ना, मुझे जब भी कोई चीज़ मैं शान को, जैसे ग्रे सूट पहनाऊँ तो उसके साथ ग्रे मैचिंग कर लेती हूँ, रेड के अगर रेड शूज़ की मैचिंग है रेड कर ली, मैं शान को ना कंट्रास्ट या मैचिंग के साथ ही कपड़े और इस तरह शूज़ मैच करके पहनाती हूँ। ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र जो था ये दराज से लिया है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये रोशान की कैप, ये भी मैंने इसी में रखी होती है, इसमें इजीली आ जाती हैं, ये देखें इजीली इसके अंदर आ जाती हैं, तो ना मुझे ना हर चीज़ के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, मुझे पता है कि रोशान की कैप्स मिटन्स सब कुछ इसमें कैरी हो जाता है। और ये भी इसी में आ जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको पहना कर दिखाना है इसलिए ये मैं बाहर रख रही हूँ, एंड इसको मैं रख देती हूँ। ये देखें, ये कैप रह गई, इसका लिंक मैं आपको ऑर्गेनाइजर का लिंक मैं दराज से शेयर कर दूंगी। इसमें बेबीज़ की ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आप भी अपने बेबीज़ के लिए मंगवाएं। और चले आए, मैं ना अब आपको रोशान की न्यू लुक दिखाती हूँ इसके साथ, कैसा लगता है। आप भी अपने बेबीज़ के लिए ना किसी को दिखा कर चाहे स्क्रीन शॉट ले लें, हैंड नेट करवाएँ इस तरह के और उसको पहनाएं। मैं ये कैप की लुक आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल दूल्हा लगता है, अपने बेबी बॉय के लिए भी ये ज़रूर मंगवाइएगा जी। तो ये मैंने रोशान को ये वेयर करवा दी हैं, ये देखिए रोशान कितना खुश हो रहा है, ये देखिए कैसी लुक आ रही है, इस कैप की बहुत यूनिक सी लुक है, ये बहुत प्यारी लगती है। ये बस ये है कि थोड़ी सी ना और बड़ी हो जाती, ये देखें ये मिटन्स हैं, ये पेयर एक कंप्लीट पेयर ऐसे है। रोशान हेलो करो, हेलो। ये देखिए ऐसे बेबी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दूल्हा सा हो। तो आप मेरी वीडियो को देखें, रोशान की शूज़, मिटेंस और कैप की कलेक्शन अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर माय चैनल प्लीज़। और ये रोशान की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, रोशान अल्लाह हाफिज़ कर दें, रोशान अल्लाह हाफिज़ कर दें जी। कैब दिखाओ, ये किसने कैब बनाई है, ये रोशान की नानों ने बनाई है ये सारा, लेकिन बेबी कितने क्यूट लगते हैं।
ये शूज़ की लुक कुछ इस तरह है। चलिए तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। मैं आपके साथ ना नाइट केयर रूटीन शेयर करूँगी रोशान की, और आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिएगा। ये वाले आपके साथ मैं शेयर करना भूल गई थी, सॉरी। ये मैं वॉश करने के लिए रखे हुए थे तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैं ये रोशान के, ये भी हैंड नेटेड शूज़ हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट, पहने में बहुत क्यूट लगते हैं। ये भी इसकी नानों ने बनाए हैं, ऐसे जैसे कार स्टाइल में, बोट स्टाइल में है। ये देखिए ना इस तरह, ये इसका सेट था पूरा। ये शूज़ हैं, कैप जो मैंने आपको दिखाई वो साथ सूट है पूरा। वो इसकी मैं पिक आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने वीडियो में पिक भी लगा देती हूँ। ये पूरा पहना हुआ क्या लुक आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रोशान के शूज़ ये सारी कलेक्शन देखना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो मिले।